हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं राजा ब्लॉग वैशाली बिहार हाजीपुर से। तो गाइस, हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है, तो उस शुभ अवसर में मैं चल रहा हूँ उन कैंपिंग टेंट देखने। तो गाइस, आप लोग बने रहें हमारे इस ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना नहीं भूलेंगे। देखने कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कैंपिंग टेंट यानी उनका महासभा कहाँ लगने वाला है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि कहाँ कौन सी व्यवस्था और क्या लगा हुआ है, क्या बन रहा है। तो आप लोगों को बारी बारी से सारे चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है और क्या क्या चीज़ें कहाँ रखी गई है। आपको आने से पहले सारे चीज़ें दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आने के बाद कोई इशू ना हो कि हम किधर से कहाँ जा रहे हैं, कैसे हमको कहाँ से एंट्री करना है और क्या करना है। सारे सुविधा हमारे इस वीडियो में है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और राजा हिप्पा को एक बार दिल से सपोर्ट कर दे। यही ब्रिज से नीचे उतर के कुतुबपुर फील्ड में जाएंगे, वहाँ देखने की तैयारी किस प्रकार हो रही है। तो दोस्तों, यही रास्ता है बस स्कूल के जस्ट पीछे से ब्रिज के बीचों बीच एक आरा ढाला आप पार करने से पहले देखिएगा। यही रास्ता स्पेशलिस्ट मंच में जाने के लिए, यानी कि आपको अगर चलना है शो देखने, शो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जी का रैली स्टेज शो, तो आप इसी रास्ते से चलेंगे और देखिए यहाँ से ही नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह एक आरा ढाला है और यही ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज के जस्ट बीचों बीच नीचे से ही एक रास्ता है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ से इधर आइएगा। तो देखिए अभी पंडाल का कार्यक्रम एकदम तेजी से हो रहा है। दोस्तों, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब बस परसों ही सोमवार के दिन, सोमवार को दिन परसों ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी पंडाल में, इसी मंच में आएंगे, तो उनका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। तो आप लोग भी आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। देखिए उनके प्रचार में गाना बज रहा है, चलिए दोस्तों देख रहे हैं, ये बैरिगेटिंग हो रहा है और बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं। और इसी रास्ता से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इधर दिखाइए, इसी रास्ते से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम दिखा देते हैं कि कितना सुंदर और कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग सोमवार को आना ना भूले माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। तो चलिए चलते हैं। तो यह बैरिगेटिंग हो रही है और व्यवस्था इतनी चकचौंध किया जा रहा है कि आप अगर उस दिन आप अगर आते हो तो आपका दिल बाग बाग हो जाए। उनके साथ माननीय नीतीश कुमार जी, देखिए उधर प्रचार का गाड़ी लगातार, देख लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इतना बड़ा जो मंच का व्यवस्था किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तो हम लोग मंच के पास आ गए हैं। सोमवार को दिन वो जो बैरिगेटिंग उधर दिखाइए, वह जो बैरिगेटिंग दिख रही है उसके उधर ही सभी को रहना है। तो आज चलिए से मंच को दिखाते आइए। चार चौकोना में हम कहते तो कैमरा ऑन रखो, के आने से पहले उनके लिए जो फुल व्यवस्था किया जा रहा है, यह रोड को फुल्ली पिच किया जाएगा और सिक्योरिटी पूरी हाई अलर्ट पे है। एक से एक उनका माननीय नेता
विधायक मंत्री सांसद सभी आकर यहाँ से जा रहे हैं मंच देखकर। ये लोग पार्टी के सेवक नेते लोग हैं जो कि आते हैं और अपना निरीक्षण अपने हिसाब से करते हैं प्रशासन से, उपस्थिति दर्शा रहे हैं यहाँ पे। दिखान बस थोड़ा क्या हुआ दोस्तों, अभी सिक्योरिटी इतना हाई अलर्ट कर रखा है कि किसी को मंच पे चढ़ने और जाने नहीं देता है आम आदमी को। हम बोले कि हम तो यूट्यूब से हैं, तो बोला कि बाबू जब तक अधिकारी से परमिशन आप नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं जा सकते। देखिए तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है और एक से बढ़ के एक गार्ड मंत्री विधायक सारे लोग आ ही रहे हैं लगातार। तो चलिए आप लोग बने रहे, हम लोग 13 तारीख को पक्का मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि देखिए तैयारी पूरा फुल तैयारी हो चुकी है और वहाँ मंच भी बन रहा है। देखिए उसके आजू बाजू सारी बैरिगेटिंग फाइनल कर ली गई है, तो आप लोगों को देखने में इतना मज़ा आएगा। अभी तो तैयारी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तैयारी जारी ही है, तो पूरी तैयारी जब हो जाएगा उस वक्त आइएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ आना नहीं भूले, कुत्तूपुर एकारा ढाला सराय हाजीपुर के बीच में राय वीरेंद्र कॉलेज से कुछ ही पहले। धन्यवाद। तो यही रास्ता है जाने का कुत्तूपुर, इधर दिखाइए कुतुबपुर रोड स्कूल के बगल में ये रास्ता है। तो दोस्तों यही रास्ता से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंच को फेस करेंगे, यानी अपने वो अपने मंच पे जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए यही रास्ता है। तो चलिए आप लोगों को अभी पूरा दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ वो कैसे मुड़ेंगे और कहाँ जाएंगे। हो सकता है तो इस मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो देखिए यह आउटलुक है, माने हम रास्ता से जा रहे हैं, वह सीन दिखा रहे हैं कि तैयारियां कितनी अच्छी से हो रखी है। तो देखिए आजू बाजू में एक घनी सी गांव है, दूर बाद देखिए जनरेटर रखा हुआ है, यह गाड़ी है, सारे व्यवस्था यहीं से है। और फाइनली यही रास्ता से वह जाएंगे। बन रहा है स्पेशल मंच को जाने के लिए। तो दोस्तों हम इस रास्ते से चल रहे हैं, यहाँ इसी रास्ते में थोड़ा सा 50 या 100 मीटर की दूरी पर हेलीपैड बन रहा है। तो चलिए हम हेलीपैड आप लोग अभी दिखाते हैं। तो देखिए हेलीपैड का बैरिगेटिंग है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तीन तीन हेलीकॉप्टर आते हैं, तो तीनों हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए तीन हेलीपैड बनता है जहाँ तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ गिरते हैं और तब जा कर के उनका यह रास्ता उनके लिए स्पेशल। आप समझिए कि इस गांव का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गया। सोचिए कि एक दिन के लिए आएंगे और पूरे गांव के एकदम साफ व्यवस्था, इतना स्वस्थ और रास्ता हमारे यशपाल मीना जी निरीक्षण के लिए, हमारे वैशाली ज़िले के DM हैं, SP साहब है, SDM, जितने बड़े अधिकारी हैं सभी आए हुए थे निरीक्षण में और सभी लोग अपना निरीक्षण करके निकल रहे थे और हम लोग थोड़ा सा तो मज़ा ले ही लेंगे। तो देखिए दोस्त हम लोग चल रहे थे घर, तो जितने माने लगातार हेलीपैड के आसपास सिक्योरिटी इतनी हार्ड कर दी गई है कि रास्ते को चेक किया जाता है ऐसे ऐसे, फिर जब रास्ते में कुछ भी एक कंकर सा भी दिखता है उसको हटा करके फिर से पुनः उसको ठीक किया जाता है। तो यह रास्ता हम लोग के घर की तरफ जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं घर, फिर आएँगे उस दिन, तब तक बने रहे।